भी बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे लोगों की संपत्ति जल्द से जल्द जब्त की जाए। तो हिंदू तो चूतिया है एक नंबर के, वो हिंदू तो चूते हैं, वो मार खा रहे हैं। अरे तो कानून व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए ना, योगी जी से कानून होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी जी से सच जी है। ओवैसी माने कोई बयान गलत नहीं दिया, उसने कहा था सही कहा, समर्थन बिल्कुल समर्थन करते हैं। योगी बाबा चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। राजस्थान के अंदर बिल्डोजर चल जाता अभी तक पूरी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरी जगह से आके यहाँ रह रहे, हमारी मातृभूमि है। यहाँ पर अगर कोई असामाजिक तत्व अगर कुछ करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये सरकार अपनी नहीं है, दोगली सरकार है, दोगली सरकार। ये उन पड़ोसों की सरकार है, हमारे हिंदुओं की सरकार नहीं है। पैसे तो हम भी लाके दे दे, उन पड़ोसों को इधर हमारे सामने लाके खड़ा करो। 51 लाख हम लाके देंगे, उन पड़ोसों को हमारे हवाले करो लाके। बाकी सब कुछ कर सकता है, और इसमें सबसे बड़ी मिलीभगत पुलिस वालों की है, प्रशासन की। प्रशासन थोड़े पैसों में बिक जाता है, इसलिए ये हादसे होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। हाँ देखिए, हिंदू के सब्र का बांध सब्र जब टूट जाएगी तब ये दिखेंगे नहीं यहाँ पे। बार बार चेताना, बार बार बहुसंख्यक समाज को चेतावनी देना, चेतावनी देना, लेकिन सरकार भी ऐसी है कि इनके साथ मिली हुई है, इसलिए ये सब हादसे हो रहे हैं। लेकिन गहलोत ने तो कह दिया कि पीएम मोदी को पूरे करनी है। गहलोत यहाँ का भंडा वहाँ पे केंद्र में फोड़ रहा है। केंद्र क्या करेगा? योगी जैसा मोदी को संबोधित नहीं, नहीं मोदी क्या संबोधित करेगा? वो फिर यहाँ पे क्या चूड़िया पहन के बैठे हुए हैं? उनको जागना चाहिए, उनकी मिलीभगत से सब हो रहा है। 51 लाख का चेक दे दिया, 51 लाख की चेक का, और मरेंगे और 51 लाख का चेक दे देंगे। चेक गहलोत जी को चाहिए, हिंदुओं से हमारे से ले ले चेक, और इनको कल की तारीख में फांसी दे करके दाल रोटी खिलाई। दाल रोटी खिलाने का आम दिन चलेगा। अरे उनको तो बिरयानी मिलेगी अंदर, बिरयानी खिलाएंगे अंदर उनको। 1 करोड़ हम दे देंगे वापस, कन्हैयालाल जी को लेके आ जाओ। उन्होंने 50 लाख दिए हमारे को, ऑफ हो गए तो हम 1 करोड़ देते हैं कन्हैयालाल जी को वापस, चिंता कर दो। वापस चाहिए कन्हैयालाल जी, पैसे से काम नहीं होता ना। जो काम आपको करना चाहिए, जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पैसे दे के आप नहीं निपट सकते हो ना। हर जगह प्रशासन बिका हुआ है, इसलिए ये हादसे हो रहे हैं, बाकी कोई इच्छा नहीं होता है। आतंकी गतिविधि है, आतंकी कनेक्शन है। जब पहले चेताया गया है तब कहाँ था? जब पहले चेताया गया था, रेकी चल रही थी, कन्हैयालाल जी ने थाने में गए, तब क्या किया थाने वाले ने? तब कहाँ गए थाने वाले? प्रशासन बिका हुआ है, इसलिए कुछ नहीं होता है। एक थाने में FIR दर्ज करवाने जाओगे तो आप पहले टेबल पे पैसे रखोगे, तब FIR दर्ज होती है। लगता है कि अगर योगी शासन होता तो हालात ऐसे नहीं होते। नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। दो चार मकान टूटे तो इनको पता चल जाता, अगर चार मकान भी टूटते ना तो पता चल जाता इनको कि कैसे क्या है। उत्पाद चलना चाहिए, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसे लोगों की संपत्ति जल्द से जल्द जब्त की जाए, और उनको फांसी पे निशान कर गए। हत्यारों के पड़ोसी कह रहे हैं कि अब 51 लाख मिल गया, अब क्या जरूरत है चिल्लाने। कौन सा 51 लाख चाहिए? तो हम देने को तैयार है, आम पब्लिक देने को तैयार है। 51 की जगह 1 करोड़ देने के लिए तैयार है। कन्हैयालाल जी को जीता ले आओ। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? क्योंकि शहर है, उनको तुरंत दान से फांसी दी जाए। कानून ऐसे लोगों के लिए 10 दिन में इनको फांसी में लटकाया चाहिए, जाना चाहिए। ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, इतना खौफ होना चाहिए कानून का। वो प्रशासन के हाथ खोलने चाहिए, प्रशासन को ऐसा कर रखा है बिल्कुल, किसी उनको हथियार दे रखे हैं, उनको पावर दे रखा है, उस पावर का कोई काम ही नहीं आ रहा है। इस ऐसा प्रशासन क्या, खुद की रक्षा नहीं हो रही है यहाँ पे। गोरतला थाने में पुलिस वाले को मार रहे हैं, उदयपुर में यह कंडीशन होगी आज की तारीख में, प्रशासन खुद पीट रहा है, तो हमारे लोगों की क्या ये कानून व्यवस्था, हमारी रक्षा करेंगे? अशांति कोई और फैलाता है, लेकिन शांति की अपील हिंदुओं से की जाती है। तो हिंदू तो चूतिया है एक नंबर के, वो हिंदू तो चूतिया है, वो मार खा रहे हैं, हिंदू मार खा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो कानून व्यवस्था को कोई मतलब ही नहीं है, मुजरिमों के हौसले बढ़ रहे हैं, आम जन में कोई विश्वास ही नहीं है, अपराधों में भय ही नहीं है। आज कल आपको, आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, मेरे को भी अटैक हो सकता है। भरोसा किस पर है? अरे तो कानून व्यवस्था तगड़ी होनी चाहिए ना, योगी जी से कानून होना चाहिए, सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। ऐसे कानून व्यवस्था राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी जी से सच जी है। हाँ तभी पावर बोला, यूपी में जाके देख लो, एक योगी कितनी जगह योगी बनेगा। अरे कोई ऐसा चेहरा निकालो क्या, कमी थोड़ी क्या, भाजपा में कोई चेहरों की कमी थोड़ी क्या, एक से एक बेटे। सर उनका जैसा पावरफुल आदमी चाहिए, योगी जैसा चाहिए उदयपुर में, उदयपुर में क्या राजस्थान में, तो वही कर सकते हैं। हर जगह जो योगी जी ने कर रखा है कि उनका जो मकान डाना ये करना, तो वैसे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वह कहता है कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से यह सब हुआ है। कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक बयान दे दे तो इसके मतलब थोड़ी गला काट देंगे, गला काटने वाला कुछ थोड़ी होता सर। ओवैसी माने कोई बयान गलत नहीं दिया, उसने कहा था सही कहा, समर्थन बिल्कुल समर्थन करते हैं।
आप सब समर्थन करते हैं? समर समर्थन भारत माता की जय, जय राम, जय सिया 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 राम। सवाल इस बात का है कि जब नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो एक क्वेश्चन मार्क में कहा था, और तब कहा था कि जब बार बार शिवलिंग को फब्बारा कहा जाए। बिल्कुल उसने सही कहा, कोई गलत नहीं कहा, हम उनके समर्थन में है। तो कहीं ऐसा ना हो आपका भी नंबर आ जाए? नंबर आ जाएगा, तैयार है, तैयार है, आप अभी ले लो नंबर, हम तैयार हैं। बिल्कुल मरना एक बार है, बार बार थोड़ी मरना है। लेकिन दबेंगे नहीं? नहीं दबेंगे, सुनेंगे नहीं? नहीं सुनेंगे। लेकिन उसका जवाब कैसे मिलेगा? जवाब जब मौका आएगा तब खुल के जाएंगे। सवाल इसे बार बार के जवाब, क्योंकि पिछले समय में लगातार हिंदुओं की हत्या होना और सरकार का मौन रहना, सरकार मिली हुई है इसलिए मौन रहना। आप कुछ कह रहे थे? बीजेपी सरकार चाहिए राजस्थान के अंदर, कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए, योगी बाबा चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर। बिल्डोजर चल जाता अभी तक पूरे यहाँ पे, और यहाँ पे सारी 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 कांग्रेस सरकार मिली हुई है नहीं अभी तक। तो ये घंटा घर होके यहाँ पे पूरी रैली निकलती थी, अभी क्यों ब्लॉक कर रखे रास्ते यहाँ से प्रशासन ने? प्रशासन तब कहाँ गया था यहाँ से, तब उसका कत्ल हुआ था, अब कैसे प्रशासन लगा दिया यहाँ पे? जय सिया राम। लेकिन हत्यारे आसानी से आते हैं, नाप देते हैं, लेकिन भीम तक कैसे निकल गए हत्यारे? उदयपुर से भीम तक कोई किसी ने नाकाबंदी की पुलिस ने? उदयपुर के बाहर कैसे निकल ही नहीं सकते थे हत्यारे? भीम तक पहुंच गए, यहाँ से भीम तक, उदयपुर से भीम तक पहुंचना तो मुमकिन है। उदयपुर हाँ, सिटी के बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ से उदयपुर से बाहर जाके भीम से भी अजमेर जाने की वो कोशिश कर रहे थे, अजमेर भी जाके कुछ कांड करते हो लोग। पूरा थाना दाम मंडी का थाना निलंबित होना चाहिए। कन्हैयालाल का जिससे विवाद हुआ था, जिस टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत की थी, कुछ मौलानाओं ने फैसला कराया था, वो सब दोषी है क्यों नहीं है? वो सब दोषी है। जो फैसला हो गया तो उसके बाद में फिर हत्या क्यों? कोई फैसला नहीं हुआ। कौन सा फैसला हुआ? राजीनामा हुआ है। राजीनामा तो पुलिस वाले राजीनामा करते हैं तो पुलिस वाले भी पैसे लेके करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। प्रशासन भी काम उनके अंदर। जो प्रोटेक्शन आज आप मस्जिदों पे देख रहे हो, इतना कर दिया, वो सिक्योरिटी उस दिन उस बंदे को क्यों नहीं मिली जब 7 दिन पहले उसने कंप्लेन करा रखी थी? वो चीज़ का भी तो आंसर दो। आज इतना प्रोटेक्शन दे रखा है, 7 दिन से बंदा कंप्लेन कर रहा है, तो 7 दिन पहले उसको इतना प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला? जो आज यहाँ पे हर एक सेगमेंट के वहाँ पे इतनी इतनी पुलिस लगा रखी है। सुरक्षा होगी, सुरक्षा होगी तो मुस्लिम की होगी, हिंदू की नहीं होगी। वही चीज है ना, आप देखो ना, इतना प्रोटेक्शन और कब मिला, किसको मिला, वो भी देखो, हर एक सेगमेंट पे 15-15, 20-20 लगा रखे हैं। वही प्रोटेक्शन अगर उस बंदे को दिया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। वो भी चीज बताओ, को लेके आओ उदयपुर में, आप उनके जैसे ही, उनके जैसे व्यक्तित्व वही उस उदयपुर की कानून व्यवस्था को संभाल सकते हैं, उनके अलावा और कोई माई का लाल नहीं संभाल सकता है। उसके अलावा भी हत्यारोपियों ने, नितिन जैन है, उनको धमकी दी है, तो क्या आज वो प्रोटेक्शन जो आप बता रहे हो कि उसको भी धमकी मिली, तो वो प्रोटेक्शन दो ना आप उनको। आप उनको वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे पा रहे, उनको डील क्यों है? हिंदू समाज उन्हें बचा पाएगा? क्यों नहीं बचा पाएगा? बिल्कुल बचा पाएगा, नहीं तो गेट आउट। एक सेकंड, क्यों नहीं बचा पाएगा? हम सब हिंदू एक हैं। आज ये जरूरी है, आज आप बता रहे हो कि हिंदू बचा पाएगा, क्यों नहीं बचा जाएगा? हमारी मातृभूमि है, दूसरे आके यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूसरी जगह से आके यहाँ रह रहे हैं, हमारी मातृभूमि है। यहाँ पर अगर कोई असामाजिक तत्व अगर कुछ करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। वही भी हत्यारे मार के चले जाते हैं। हाँ तो वही चीज है ना, क्यों चले जाते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज प्रशासन की गलती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी है ना, वो चीज सपोर्ट कमी नहीं होनी चाहिए आगे भविष्य में, इसीलिए ये आज जो आप देख रहे हो ना, ये उसी का नतीजा। मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि आज हजारों की संख्या में कल से भी ज्यादा आज रोड पर लोग निकले हैं। हम यही चाहते हैं, देखो लड़ाई झगड़ा करना किसी का मकसद नहीं है, हम यही चाहते हैं इतने टाइम से जो शांति बरकरार है, किसी को कोई हक नहीं है कि लड़ाई करो झगड़ा करो, लेकिन मेन चीज़ इस मैसेज के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ, शांति से रहो, अमन से रहो, ना उनको कोई दिक्कत आएगी, लेकिन ये है कि भारत की मातृभूमि पे अगर कोई असामाजिक तत्व अगर कुछ करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और सरकार से ये है कि खुलेआम मिलना चाहिए, और उनको प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से हमारी तरफ हम हिंदुओं का कोई प्रोग्राम होता है तो बंदिश ज़्यादा होती है, तो वो फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हमको दबाओ, हमारे को तो क्यों दबाया जाता है, उनका कोई चीज़ होती है तो बिल्कुल फ्रीडम से घूमते, वाय
वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सबके तरह समान समान अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो प्रोटेक्शन देश के प्रधानमंत्री ने एक समय में कहा था कि हम पहले से किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं वापस। ये बिल्कुल इन्होंने बड़वों ने क्या, एक अकेले में हो गया, उन्होंने वार किया, पीछे से वार किया उन्होंने बड़वों ने, धोखे से वार किया उन बड़वों ने। सुरक्षा टाइम पे नहीं दी गई, जो 7 दिन उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा नहीं दी उनको, इसलिए हुआ उनके साथ। अगर उनको होता बाहर लाके मारते हम देखते उनको फिर। लेकिन कन्हैया लाल की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब उनको सजा दी जाएगी? फांसी की सजा उनके लिए कम है। उनको चुराए पे लाके गोली मारो या फिर वहाँ जनता के हवाले कर दो तो उनको शांति मिलेगी, बाकी शांति। आपको लगता है कि राजस्थान सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं है? राजस्थान सरकार में दम नहीं है, इसलिए ये सरकार अपनी नहीं है, दोगली सरकार है। दोगली सरकार ये उन पड़वों की सरकार है, हमारे हिंदुओं की सरकार नहीं है। इलाज क्या, हटाओ इन अशोक गहलोत को, हटाओ उनको, फांसी दो उन लोगों को, फांसी या बीच चौराहे में लगे गोली मारो मारो को, तब जाके उन कन्हैया लाल जी को शांति मिलेगी, उनके आत्मा को शांति मिलेगी। सरकार तो कह रही हमने 51 लाख का चेक दे दिया है और नौकरी दे दी। अरे पैसे से आदमी वापिस आएगा क्या? पैसे से वो इंसान आ सकता है क्या? वापिस नहीं आ सकता है ना। पैसे तो हम भी ला के दे दे उन बड़ों को, इधर हमारे सामने ला के खड़ा करो। 51 लाख हम ला के देंगे उन बड़ों को, हमारे हवाले करो ला के। अगर सरकार हमारी होती, राजस्थान सरकार, उनको वही गोली मार देते जब पकड़ाए थे, तो हम मानते सरकार हमारी है, उनको बचा रखा है, वापस हो जाएंगे, ब्री हो जाएंगे, वापस बाहर आ जाएंगे। अगर यही ये उत्तर प्रदेश होता तो एनकाउंटर भी होता होते हमारे योगी जी, दोनों को वही गोली मार देते जब पकड़ाए थे, वही गोली मार देते, या चौराहे पे लाके उनको भी गोली मारते यहाँ पे उदयपुर में लाके। योगी जी आज हमारे राजस्थान में योगी जी होते ना, आज उन बड़ों को बीच चौराहे में गोली मारते। हमारे राजस्थान को योगी जी जैसे की जरूरत है, ना कि इसकी। महिला को अभी उसके दर्द को आपने समझा है कि जिसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, जिसने अपना पति खो दिया, उसका हाल वो तो है, वो भी है हमारे साथ है, वो तो उसको देख के हमें के बहुत रोना आता है, क्या करें। वहाँ उसकी जान ली तो अच्छी बात नहीं करी उसने, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दो बस, आज वो ही मेरे जैसी है। उसके बाद उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तो उसको मिले, उसको सजा दो, उसको फांसी दो, उसको बस ये चीज, हम तभी राजी होंगे, हम तो बाकी नहीं होंगे। आप इतनी अच्छी स्वतंत्रता के साथ में आज इस चौराहे पे आप खड़े हैं, लेकिन कहीं मन में दुख होता है कि जो शांति के लिए शहर जाना जाता है, आज उसमें अशांति फैलाने की कोशिश की गई है, क्या कर, उदास है हम भी, अभी उनके लिए उदास है, उदास है वो। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम ऐसे ही रहेंगे। उम्मीद किस पर है, न्याय की उम्मीद किससे करते हैं? तो उसको फांसी दो बस। मोदी जी पे है, मोदी जी पे भरोसा है, सब जानकारियां लेने के बाद उनको फांसी की सजा दे, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और आज जगन्नाथ यात्रा के लिए हम सब जने इकट्ठे हुए हैं, सारे हिंदू एक होकर यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा सबका एक ही नारा है कि या तो उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। देखिए बहुसंख्यक समाज है और जो कि आज चौराहे पर, ये मेन चौराहे पर आया हुआ है, भले ही आज का कारण दूसरा है, लेकिन उस दुख को मुझे लग रहा है कि कोई जल्दी से भूल नहीं सकता। और न्याय उस परिवार को और बहुसंख्यक उस हिंदू समाज को जो कल भी सड़कों पर उसके विरोध में निकला था, हत्या के विरोध में, हत्यारोपियों को फांसी की मांग को लेकर के निकला था, शायद तालिबानी तरीके से, जिस तरीके से नृशंस रूप से हत्या की गई उसी तरीके से उनको सजा दी जाए तो दिल को कुछ सुकून मिलेगा। 51 लाख देने से नहीं।